ढाई साल का वंशदीप अब इस दुनिया में नहीं है। बिजली विभाग की लापरवाही से इस बच्चे की जान चली गई। मामला बाहरी दिल्ली के झिंगोला गांव का है, जहां वंशदीप अपने परिवार के साथ रहता था। बताया जाता है कि गुरुवार सुबह बच्चा खेलते हुए गलती से छत पर चला गया था, जहां से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बच्चे के साथ खेलता खेलता चला गया था, इधर हम इसको उठाए हुआ तो पकड़ कर रखते थे, आज उधर चला गया था पड़ोसियों के छत पे, उधर 4 फुट की दीवार से 2-3 फुट की दीवार, उसके ऊपर पतन कैसे चढ़ गए ऊपर भाग के, उसके बाद फिर करंट लगा थे, भड़का उठा एकदम पूरा पूरे शरीर में आग लग गई थी उसके, भाई को कैसे कट लगा एकदम बिजली का, भाई को पता लगा तो भाई भाग के गया था, हाथ लगा के देखा करंट नहीं था उसका। मासूम की मौत के बाद से घर में चीख पुकार मची है। जिस बच्चे के आने से घर में खुशी का माहौल था, उसकी इस दर्दनाक मौत के बाद से परिजनों का बुरा हाल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहले भी करंट की चपेट में आने से हादसे हो चुके हैं, जिसे लेकर बिजली विभाग से शिकायत भी की गई, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस माँ को करंट लगा था, इसको मम्मी को, वंशदीप को मम्मी को करंट लगा था, इसको ताई को लगा था, एक और इसको छोरा था इसको भी लगा था, यही 4 बार हादसा हो चुका है, कोई सुनाई नहीं हमारी हुई अभी तक। एक बार तो 11 साल के बच्चे को करंट लग गया था, जिस वजह से उसका एक हाथ कट गया। आज भी ये बच्चे इस हादसे के जख्म लिए घूम रहे हैं, जिसने इसकी पूरी जिंदगी ही खराब कर दी। झिंगोला में अभी भी इस तरह खुले तार पड़े हैं, जिससे किसी भी समय हादसा होने की आशंका बनी रहती है। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि इतना कुछ होने के बावजूद बिजली विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है।